सो क्रिस्टल सिमेट्री की यहाँ पे बात करेंगे आज हम, और क्रिस्टल सिमेट्री जो है वो रोटेशनल के केस में देखी जाएगी। तो जितना सिस्टम आपका सिमेट्रिकल है वो डिपेंड करेगा कि उसको रोटेशन हमने कितना दे रखा है, कितना डिग्री का उसका रोटेशन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि 5 फोल्ड और 7 फोल्ड सिमेट्री की जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, और बाकी जो है आपकी 2, 3, 4, 6, 1 ये सारी पॉसिबल हैं। तो ऐसा क्यों होता है इसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो लेट अस कंसीडर, एक मैंने पिक्चर यहाँ पे सर्कल ले लिया। तो इस सर्कल का आपको पता है ये 4 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया है, ये इसका 90 है एंगल। तो अगर मैंने ये 90 डिग्री का एंगल जो है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज या चॉइस आपकी है, ओके okay. तो इसको अगर क्लॉकवाइज से या एंटी क्लॉकवाइज, तो 4 फोल्ड के बाद, 4 फोल्ड सिमेट्री जिसको हम कहेंगे, 4 फोल्ड के बाद जो है अप टू रोटेटिंग इट अबाउट 90 डिग्री, देन 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 वोल्ट के बाद क्या होगा, ये सिस्टम जो है ओरिजिनल स्टेट में आए। तो जो ओरिजिनल स्टेट हुई इसकी, जो कि आपकी पहले वाली स्टेट थी, उसी स्टेट में दोबारा से सिस्टम आया, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट सिस्टम इज सिमेट्रिकल एंड दैट सिमेट्री इज रोटेशनल सिमेट्री। मीन्स सिस्टम अपने आप जितना फोल्ड करेंगे उतने फोल्ड में वो अपने आप को अपनी पहली वाली स्टेट में आ जाएगा। तो 4 फोल्ड के बाद जो जैसे ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल जो है इसको हम 3 फोल्ड सिमेट्री देंगे, ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएंगे। पहला ये है इसका, तो इसको 1 फोल्ड दिया तो ये यहाँ आया, फिर दूसरे में ये यहाँ आएगा, फिर तीसरे में ये क्या यहाँ आ जाएगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो 3 फोल्ड सिमेट्री हुई है, वाई रोटेटिंग इट एंटी क्लॉकवाइज। तो हम यहाँ पे अब फोकस करते हैं अपनी 5 फोल्ड और 7 फोल्ड सिमेट्री जो है वो एग्जिस्ट क्यों नहीं करती हैं। तो हमने यहाँ एक हमारी जो रोटेशनल सिमेट्री, क्योंकि रोटेशन में आएगी, सर्कुलर आएगी, तो इस केस को हम जो है यहाँ से यहाँ अगर एक पी और क्यू पॉइंट कंसीडर करें, या फिर पी क्यू आर एफ जो भी आप ले सकते हो। तो अगर आपका इनिशियल पॉइंट पी है, मान लीजिए पी, तो जो सिमिट्री आप दे रहे हो दैट इज ट्रांसलेशनल वेक्टर के साथ चलेगी, ठीक है। कोई ट्रांसलेशनल वेक्टर होगा जिसका ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से, अगर इसको रोटेशन में लाएंगे तो ये सर्कल जैसा बनेगा। यहाँ से 1, ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, इस तरह से। तो इस डायग्राम को, सिमेट्री को मैं यहाँ पे लैटिस पॉइंट में समझने की कोशिश करूंगी। तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स ले लिया, मान लीजिए लैटिस के पॉइंट्स ए बी सी डी, ए बी सी और डी। अब ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, क्योंकि पी और क्यू जो है, क्यू दो पॉइंट ले लिए, क्योंकि ये सब पॉइंट जो है आपके लैटिस के हैं, और लैटिस पॉइंट में सिमेट्री को हमने चेक करना है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे इनको ज्वाइन कर लेंगे। और ज्वाइन करने के बाद पी और क्यू को भी ज्वाइन कर लीजिए, और क्योंकि मैंने रोटेशन दिया यहाँ, यहाँ पे मेरा पॉइंट था ये, और जैसे मैंने रोटेशन दिया एंगल फाई, तो फाई एंगल मेरा कितना है, 90 डिग्री मान लीजिए। तो जो एंगल मैं रोटेशन वाला जो एंगल है उस एंगल को मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेती हूँ, कि इस स्टेट के साथ ये एंगल बनाएगा,
और सिमिलरली ये जो पॉइंट है सी, सी को ज्वाइन करना है मैंने क्यू के साथ, और ए भी आपका ये पॉइंट रहा, और इसको भी आप मैच कर लीजिए। नाउ ये पॉइंट आपका आर है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, वैसे ही परपेंडिकुलर आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है जी। और ये जो एंगल फाई था यहाँ पे मैंने दिया हुआ पॉइंट एफ से पी, ओके, तो ये वो एंगल है फाई आपका जो हमने क्रिस्टल में दिया। और टी आपका टाइम नहीं है यहाँ पे, ट्री आपका क्या है, ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल वेक्टर, जो उसको ट्रांसलेट कर रहा है, ले जा रहा है आगे को, ओके, दैट इज योर ट्रांसलेशनल वेक्टर टी। और ए से बी तक का जो डिस्टेंस है दैट इज ट्रांसलेशनल वेक्टर टी, और बी से सी तक का भी डिस्टेंस क्या है, ट्रांसलेशनल टी, और ये भी कितना है टी। तो पॉइंट पी, ये आपका एंगल ये भी फाई होगा, और अगर एंगल ये फाई है तो ये भी फाई होगा, एंगल सी प्रॉपर्टीज में। और ये टी है अगर, तो ये जो साइड है आपकी ये क्या बन जाएगी, टी कॉस थीटा, दैट इज योर टी कॉस नॉट थीटा बट फाई, टी कॉस फाई। सिमिलरली यहाँ पे भी ये क्या हुआ, ये जो साइड है टी कॉस फाइव, और ये जो है क्योंकि ये आपका पॉइंट कितना है बी से सी तक का टी, तो ये ऑफ कोर्स ये जो पॉइंट होगा ये भी कितना टी होगा, ट्रांसलेशनल वेक्टर टी। सो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो पी क्यू हमारा डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, दैट इज पी आर एडिशन जो है आर एट दिस पॉइंट, लेट अस टेक इट एस, तो आर एस और ये क्या हुआ ना एस क्यू, ओके, तो पी क्यू क्योंकि पी और क्यू क्या है एम टी, एम इज इंटीजर, एम इंटीजर होगा यहाँ पे, और पी आर जो है दैट इज टी कॉस फाइव, आर एस की सेंस अगेन टी है, और एस क्यू कितना है फिर से टी कॉस फाइव है। सो ये क्या बना मेरे पास, दैट इज एम टी इज इक्वल टू टी कॉस फाइव प्लस टी कॉस फाइव। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, टी वाली टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं जो सिंपल टी वाली है, तो यहाँ एम टी और यहाँ माइनस टी इज इक्वल टू टू टाइम टी कॉस फाइव, और जो टी कॉमन है तो एम माइनस वन टू टी कॉस फाइव। सो एम माइनस वन ओवर टू इज इक्वल्स टू कॉस फाइव, टी कैंसिल हो गएगा, तो कॉस फाइव जो है वो क्या है एम माइनस वन ओवर टू, और इस एम माइनस टू को, सॉरी यहाँ पे जो एम माइनस टू है, सॉरी वन ओवर टू, एम माइनस वन इसको हम कंसीडर कर लेंगे दैट इज इंटीजर एन, क्योंकि एम आपका इंटीजर था, तो इस इंटीजर मान लीजिए एम कोई इंटीजर आपका सिक्स था, और सिक्स में वन माइनस कर दिया तो फाइव होगा, तो फाइव अनदर क्या आएगा कि इंटीजर ही आएगा, तो उस इंटीजर को मैंने क्या कर लिया, दैट इज नया इंटीजर जो है आपका वो एन है, ओके, तो नया इंटीजर अगर एन है तो ये इक्वेशन जो है वन वो क्या बन जाएगा एन वाई टू कॉस फाइव, और क्योंकि मुझे एंगल निकालना है देयरफोर
कॉस पाई एन वाई टू, और क्योंकि हमें पता है फाई का जो वैल्यू है, कॉस फाई का वैल्यू वो कहाँ से कहाँ वेरी करता है, प्लस वन से लेकर माइनस वन तक, इन बिटवीन दिस टू, यहाँ तक ये वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करता है कॉस का। तो अगर ये वैल्यू प्लस माइनस वन है कॉस का, अगर कॉस का वैल्यू प्लस माइनस वन के बीच रहता है, प्लस माइनस वन, देन इट विल बी एन बाई टू, और एन का वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, दैट इज प्लस माइनस टू के बीच। देयरफॉर एन जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू और लेस देन इक्वल टू प्लस टू। ओके, सो लेस देन इक्वल टू माइनस टू मीन्स माइनस टू, और माइनस वन जीरो, प्लस वन और प्लस टू, ये वैल्यू जनरेट करेगी एन की। अब एन की ये वैल्यूज, इसके लिए हम टेबल बना लेते हैं कि एन की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल हैं। ध्यान रहे हम क्या निकालने जा रहे हैं, हम निकालने जा रहे हैं कि 5 फोल्ड और 7 फोल्ड सिमेट्री जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बट 2, 3, 4, 6 और 1 जो है ये एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ये एग्जिस्ट कैसे करेंगी, यहाँ पे हम इसका मैथमेटिक्स निकालेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, और बाद में इसको हम डायग्रामेटिकली भी देखने की कोशिश करेंगे। तो एन की वैल्यूज हमने देखी यहाँ पे माइनस टू से प्लस टू तक पॉसिबल है, क्योंकि कॉस की जो वैल्यू है कॉस फाइव वो प्लस माइनस और माइनस वन के बीच एग्जिस्ट करता है। तो ये जैसे ही हमने इसमें पुट किया तो एन की वैल्यूज माइनस टू से लेके प्लस टू तक गई। नाउ अगर एन का वैल्यू माइनस टू हो, माइनस वन हो, जीरो हो, प्लस वन हो, प्लस टू हो, यही निकल के आया, और साथ में कॉस फाइव, फिर आपका फाई आएगा और फिर आएगा आपका एन, और एन आपको मैं बता दूं यहाँ पे एन क्या है, जितना आपने रोटेशन दिया था यहाँ पे तो कितनी फोल्ड सिमेट्री हुई थी, क्योंकि ट्राइंगल में 3 फोल्ड सिमेट्री हुई, तो वो फॉर्मूला क्या है, एन इज इक्वल टू 360 डिग्री ओवर फाई, कितना फोल्ड सिमेट्री हुआ और 360 डिग्री में से, और वो कितना एंगल है, तो यही हम यहाँ पे फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो फाई यहाँ पे अलग अलग एंगल होगा और एन क्या निकल के आएगा, कितना फोल्ड सिमेट्री होगा, 360 डिग्री ओवर फाई। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं फर्स्ट के लिए, माइनस टू, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला इज cos phi is equal to n by 2. Okay. Now, n जो है minus 2 हो अगर, n is minus 2, then minus 2 over 2 is minus 1. Therefore, cos phi क्या आ जाएगा, minus 1. तो cos phi का value कितना होगा, minus 1. और फाई कितना निकल के आएगा जी, कॉस फाई माइनस वन कब होता है, जब फाई एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। ये फर्स्ट निकाला, सेकंड निकाल लेते हैं। सेकंड अगर कॉस फाई इज इक्वल टू फॉर्मूला अगेन एन वाई टू, अब यहाँ पे एन कितना है, माइनस वन, ये सारी वैल्यूज एक एक करके हमने पुट करनी है, तो माइनस वन ओवर टू, ठीक है जी, तो cos phi 1 by 2, 1 by 2 कब रहता है cos phi, माइनस 1 by 2 की वैल्यू कब आती है, 120 डिग्री पे। सिमिलरली cos 0, cos phi is equal to 0 over 2, that is 0, cos 0 कब होता है, जब एंगल 90 डिग्री हो। सिमिलरली प्लस 1 के लिए ये वैल्यू 1 by 2 आएगा पॉजिटिव,
तो पॉजिटिव 1/2 जब आपका एंगल 60 डिग्री होगा, और प्लस 2 अगेन आपने वैल्यू पुट करनी है सारी जगह यहाँ पे, ठीक है। तो प्लस 2 पुट किया तो यहाँ पे प्लस 1 आएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑर्डर देख लेना है आपने, यहाँ पे माइनस माइनस और प्लस प्लस, तो ये तो या तो 0 डिग्री पे आती है वैल्यू, प्लस 1 कॉस 1 कब आता है, कॉस 1 जब एंगल कितना हो 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री, तो या तो 360 डिग्री होगा। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि कितना फोल्ड सिमिट्री बन रहा है, एन इज हाउ मच फोल्ड सिमिट्री, मतलब कितनी रोटेशन के बाद जो है सिस्टम जो है वो ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है, उसको कहेंगे हम एन फोल्ड सिमिट्री। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर एंगल फाई आपका 180 है, ओके 180 है एंगल फाई, तो एन फोल्ड सिमिट्री कितना बनेगा, दैट इज 2, डिवाइड कर लीजिए 180 से फाई को, फिर एंगल 120 यहाँ पुट किया तो 3 आएगा, 90 पुट किया तो 4 आएगा, उसी तरह से यहाँ पे 60 पुट करेंगे तो 6 आएगा, और 0 पुट किया या 360 तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये कंप्लीट टेबल जो है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ओके। तो कौन कौन सी रोटेशनल सिमेट्री पॉसिबल है, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, 4 फोल्ड, 6 फोल्ड एंड 1 फोल्ड, 5 फोल्ड नहीं है ना, तो 7 फोल्ड है यहाँ पे, क्योंकि पॉसिबिलिटीज ही यही है, एन की पॉसिबिलिटीज यही है कि आपकी एन की वैल्यू जो है प्लस माइनस 2 से लेके प्लस 2 तक, यही पॉसिबल है, इसके आगे पीछे कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। तो एग्जाम्पल अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि 2 फोल्ड सिमेट्री जो है वो कहाँ एग्जिस्ट करती है। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे फाई एंगल है, फाई, ओके। अब ये फिगर है, आपने इस फिगर को क्लॉकवाइज रोटेट किया, यहां तक पहुंची ये फिगर, तो एंगल कितना बना, 180। और देखिए ये शेप जो है वैसी की वैसी है, तो सॉरी इस शेप को लेना है आपने, ना कि इस शेप को, ये तो आपका रोटेशन को बता रहा है। तो एक बार फिर से देख लीजिए इसको, ये जो शेप है इस शेप को आपने क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ये ऐसे बनेगी फर्स्ट में, और दूसरा फिर से इसको आपने रोटेशन दिया एक तो ऐसे बन जाएगी, सॉरी एक बार फिर से 180 डिग्री रोटेशन देना है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका एक फोल्ड सिमेट्री में 180 डिग्री का रोटेशन देना है, सॉरी 180 में, देखिए आप 2 फोल्ड सिमेट्री में 180, तो इसका 180 कहाँ है, यहाँ यहाँ होगा इसका 180। फिर से आपने इसको रोटेट किया, ये इसका 1 फोल्ड बना, फिर से रोटेट किया तो ये क्या बन गया, इसका 2 फोल्ड। तो 1 फोल्ड में जो इसका ये वाला सिरा था ये चला गया नीचे ऐसे, यहाँ चला गया, फिर दूसरा रोटेशन दिया आपने तो ये जो सिरा है इसका ये वाला, इसको मैं कलर अलग डिफाइन कर देती हूँ, दैट इज दिस वन एंड दिस वन। तो 2 फोल्ड के बाद जो है ये अपना ओरिजिनल शेप ले रहा है, दैट इज रोटेटिंग बाय 180 डिग्री, तो ये 2 फोल्ड हुआ। उसी तरह से ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल को 1 फोल्ड, इस तरह से यहाँ रोटेशन भी बताया हुआ, 3 फोल्ड के बाद जो है ये ओरिजिनल शेप में आएगा ऐसे, ओके। और रोटेशन कितना देना है, 120 का, ऐसे नहीं कि आप 90 डिग्री देते रहो और 90 डिग्री में तो ये चेंज हो जाएगा, तो 120 डिग्री रोटेशन देना है, एंगल फाई 120 डिग्री होगा तभी ये 3 फोल्ड सिमेट्री में आएगा। उसी तरह से 4 फोल्ड ये स्क्वायर है, स्क्वायर है ये ट्राइंगल है,
क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि ट्राइंगल जो है आपका कितना फोल्ड, सिमेट्री होता है दैट इज 3 फोल्ड, वाई रोटेटिंग इट 120 डिग्री, 4 फोल्ड सिमेट्री, स्क्वेयर है 90 डिग्री रोटेट किया, तो ये 90 डिग्री के बाद पहले मान लीजिए ये था पोजीशन इसका, 90 डिग्री देंगे यहाँ आ जाएगा, यहाँ यहाँ 4 बार इसको जो है आपको रोटेट करना पड़ेगा तब जाके ये ओरिजिनल शेप में आएगा। उस तरह से क्या है 6 फोल्ड सिमेट्री। अब होता क्या है, वैसे तो रोटेशनल सिमेट्री यही पॉसिबल है, ओके अगर हम 5 फोल्ड सिमेट्री को देखें, ये आपका 1 2 3 4 5 5 फोल्ड और ये है आपका 8 फोल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, ये आपका पेंटागन है नॉट 5 फोल्ड, 8 फोल्ड और 5 फोल्ड के लिए हमने क्या किया, एक पेंटागन ले लिया और एक ऑक्टा ले लिया। जब इस पेंटागन को 5 फोल्ड में रोटेट करते हैं, 1 2 3 4 5 5 फोल्ड में रोटेट किया, तो ओके ये आ तो रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो स्पेस है दैट नॉट फिल्ड, ये स्पेस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा खाली, तो ये हमें नहीं चाहिए, इसीलिए ये जो 5 और 7 या फिर 8 ले लें, ये 5 फोल्ड सिमेट्री में या फिर 7 फोल्ड सिमेट्री में पॉसिबल नहीं है या फिर नहीं होती, क्योंकि इसमें जो है स्पेस जो फिलिंग है वो पॉसिबल नहीं है। सो दीज आर द रीजन दैट इज व्हाई दीज फोर्ड सिमेट्रीज आर पॉसिबल एंड दिस इज नॉट। और रीजन बीइंग आप इसका ये भी दे सकते हैं कि हमारी जो वैल्यूज हैं एन की, तो पॉसिबल वैल्यूज हैं एन की, वो हमारे पास एक ये हैं, बिकॉज यू कैन ऑल्सो से दैट द वैल्यू ऑफ फाई कॉस फाई वेरी फ्रॉम -1 to +1, ओके तो -1 से +1 जब कॉस फाई वेरी करेगा तो एन जो है उसका वेरिएशन -2 से +2 होगा, और जो फोल्ड सिमेट्रीज निकल के आएंगी वो क्या है, सिर्फ यही है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ 5। सो दिस इज ऑल अबाउट 5 फोल्ड सिमेट्री एंड ऑल सिमेट्री।